नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर वेकोली प्रबंधन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शास्त्री कॉलरी खदान कर्मचारी सहकारी पत्र संस्था रजिस्ट्रेशन नंबर 902 के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान संचालक नरसाला नुकला चिरैया का एक और कारनामा सामने आया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ही फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट पर नरसाला नकुला चिरैया द्वारा दो बार धनराशि उठाकर भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित करके संस्था को 2,33,907 रुपये की धोखाधड़ी करके संस्था को चूना लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि बताया जाता है कि 3 जुलाई 2020 में 2 लाख रुपये एक साल के लिए फिक्स किया था। पूर्व मैनेजर मनोज मिश्रा के साथ मिलकर अवधि समाप्त के एक महीने पूर्व भी 12 महीने की ब्याज सहित 2,17,000 रुपये उठा लिया। जब नरसाला चिरैया नुकला खुद अध्यक्ष रहते हुए रुपये उठाने के बाद फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट जमा न करते हुए वापस अपने साथ ले गया। बाद में सत्ता बदलने पर दूसरी टीम आने पर 2 जून 2024 को उत्तम गर्डम मैनेजर तथा पूर्व अध्यक्ष नरसाला नुकला चिरैया वहीं सर्टिफिकेट संस्था में दोबारा लेकर आया। कहा कि मुझे फिक्स के रुपये चाहिए। संचालक मंडल से बहस की, मैनेजर से पूछा उसका तो एक साल का फिक्स था, उसके द्वारा पैसे उठाने का अंदाजा लगाया गया। मैनेजर ने कहा कि नहीं उठाया जब नए संचालक मंडल में थे। मैनेजर की बात मानकर नरसाला चिरैया को 2,33,907 रुपये का चेक देना पड़ा। बाद में इस घटना की गहराई से जांच पड़ताल की गई, जब तो पता चला कि उसने संस्था के साथ धोखाधड़ी करके एक ही बॉन्ड पेपर पर दो बार फिक्स की राशि उठाई है। बाद में नरसाला को नोटिस भेजा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सहकारी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब 2022 का ऑडिट होने पर वह मामला भी सामने आएगा। उक्त जानकारी सैयद शहजाद अली ने जगत न्यूज चैनल को बताते हुए कहा कि इस मामले की गहराई से पुनः जांच होनी चाहिए। दोषी संचालक तथा मैनेजर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जिला पुलिस उपाधीक्षक से की है। जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। मैं सैयद शहजाद अली, माजी संचालक शास्त्री कॉलरी कोयला खदान कर्मचारी सहकारी पर संस्था रजिस्टर्ड नंबर 902। अभी जब हम संचालक पद पे थे तो उनके जो माजी संचालक मंडल था और व्यवस्थापक माजी, उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की है। उसमें कुछ गड़बड़ी ऐसी पाई गई है कि एक कर्मचारी अशोक पत्तीवार 2017 में रिटायर हुआ है और उसको 2020 में उससे 2 लाख रुपए कर्जा चढ़ाया गया है। और माजी अध्यक्ष नरसिंह नुकला, इसने दो बार FD उठाया है, बोला एक दो बार प्रमाण पत्र पे दो बार FD उठाया। मनोज मिश्रा ने उसकी FD वापस नहीं लिया था, उनकी मिली जुली भगत थी। बाद में जब हम संचालक बने तो हमारे से 2,37,000 रुपए और यानी ब्याज से वसूल किया, बोला उसने। बोला इसका हमने नोटिस भी दिया गया उसको, AR को नोटिस दिया गया और DDR को भेजा गया। इससे कोई कार्रवाई नहीं की। ये AR और DDR की मिली भगत है, उनकी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।